अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल मेरी डायरी में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही हैरानकुन खबर शेयर करूँगा कि मेक्सिको की पार्लियामेंट में खलाई मखलूक की लाशों की नुमाइश हो गई है। लाशें ज़मीन के अर्जी इर्तका का हिस्सा नहीं है। दावा मेक्सिको की पार्लियामेंट में उड़ने वाली नामालूम अशिया के बारे में किया गया है। ये भी ब्रीफिंग के दौरान मुबैना तौर पर गैर इंसानी मखलूक की बाकियात दिखाई गई। मेक्सिको की पार्लियामेंट में बुध को अमरीकी हुकाम, मेक्सिकन सियासतदानों और महक्कीन की मौजूदगी में छोटी छोटी खलाई मखलूकात की लाशों को नुमाइश के लिए पेश किया गया, जो पेरू के इलाका कोस्को में पाई गई थी। दोस्तों, मेक्सिको के एक सहाफ़ी और खलाई मखलूक के माहिर जेमी मोसन ने खलीफा गवाही दी कि मम्मी शुदा ये मखलूकात 1000 साल पुरानी है और इनका किसी ज़मीनी मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुबैना तौर पर इन खलाई मखलूकात के DNA का तकरीबन 1/3 हिस्सा नामालूम है। ये बात काबिले जिक्र है कि मौसम के ये दावे साबित नहीं हुए हैं और वो कई बार पहले भी इस तरह के दरियाफ्तों का दावा कर चुके हैं, जिन्हें बाद में गलत साबित कर दिया गया था। अवामी समात में मौसम ने मुबैना अजनबी लाशों की नुमाइश करने से पहले खलाई जहाज़ों, UFOs और नामालूम गैर मामूली मुजाहरे की वीडियोस दिखाई हैं। एक लाश दिखाते हुए उन्होंने कहा कि ये नमूना हमारे ज़मीनी इर्तिका का हिस्सा नहीं है, ये वो मखलूक नहीं है जो UFO के मलबे से मिली हैं। ये डाइटेम अलगी कानों में पाई गई थी और बाद में फॉसिल बन गई थी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल मेरी डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को बरवक्त मिलती रहे। नाजरीन ग्रामी, मौसम के मुताबिक मुबैना गैर इंसानी लाशों का मेक्सिको की खुद मुख्तार नेशनल यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने मुताला किया था, जिन्होंने पाया कि नमूनों के 30% से ज्यादा DNA नामालूम थे। UFOlogist ने समात के दौरान नमूनों के एक्सरे भी दिखाए। माहिरीन ने हलफ के तहत गवाही दी कि उन लाशों में से एक के जिस्म में अंदर अंडे नजर आते हैं, जबकि दोनों के बहुत ही नायाब धातुओं जैसे के ओस्मीम से बनी एम्प्लाइड्स हैं। अमरीकी बहरिया के साबिक पायलट रियान ग्रेव्स ने भी समात में शिरकत की, जिन्होंने इस साल की शुरू में अमरीकी कांग्रेस को बताया था कि नामालूम फिजाई मजाहिर अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन सकती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।